मॉर्निंग वॉक पर गए एक व्यक्ति के जेब में रखे मोबाइल से अचानक धुआं निकलने लगा। जेब से मोबाइल निकालकर फेंकते ही ब्लास्ट हुआ। इस घटना में उन्हें हल्की सी चोट आई और वे बाल बाल बचे। बलात्कार से जो घटना सामने आई है वो उन सभी को सावधान करने के लिए बेहद जरूरी है जिनके पास मोबाइल है। बलारपुर शहर में रहने वाले भावराव आसले शाम के समय रोजाना की तरह वॉक पर निकले थे। उनका सैमसंग कंपनी का मोबाइल उनके जेब में था। भावराव को अपनी जेब में कुछ गर्म महसूस हुआ तो उन्होंने जेब में रखे मोबाइल को हाथ लगाया तो देखा कि मोबाइल बेहद गर्म हो गया था और देखते ही देखते मोबाइल से धुआं निकलने लगा। भावराव बेहद घबरा गए थे। वो जेब से मोबाइल को निकाले तब तक मोबाइल में आग लग चुकी थी। उन्होंने जेब में हाथ डाला और मोबाइल को जेब से निकालकर बाहर फेंक दिया। मोबाइल को बाहर फेंकते ही मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। समय रहते मोबाइल को बाहर फेंक दिया इसलिए भावराव बाल बाल बच गए। इस घटना में उनके पैर और हाथ मामूली झुलस गए। भावराव ने बताया कि यह मोबाइल सैमसंग कंपनी का है और करीब 4 साल पहले खरीदा था। इस घटना के बाद भावराव सदमे में है और लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि मोबाइल को सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। इस घटना के बाद मोबाइल कंपनियों ने भी इस प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाकर इस पर जरूरी बदलाव करें। इस संदर्भ में भावराव आसवले ने जानकारी दी। मोबाइल खिशात होता, मी बापिंगला निघालो होतो। अचानक मला गरम वाटायला लागलं तेव्हा मी पाहिलं तर माझा मोबाईलवरून धुवा निघून राहिला होता। धुवा निघता निघता मग मी त्याला एकदम म्हणजे माझ्या खिशामध्ये असतानी धुवा निघला तर माझा प्लॅप पॅन्ट आणि माझी स्क्रीन जळली होती। तर तेव्हा मी त्या मोबाईलला काढून फेकून दिलं बाहेर त्रास झाल्यानंतर। आता याच्यामध्ये माझं आज ब्लास्ट वगैरे झालं असता खिशामध्ये तर माझं गेलं असतं जीवन, माझं नष्ट झालं असतं आज। सॅमसंग हा आता जवळपास 4-5 वर्ष झाले त्याला, अजूनही बॅटरी वगैरे चेंज केलेली नाही मी।